रहीम अलेवंत के बच्चों के लिए आज जो लेसन है वो सबक नंबर 26 जो हमने पहले ही पढ़ा और हफ्ते के 7 दिनों के बारे में था कि किस दिन को अरबी में क्या कहते हैं। तो आज इसकी एक्सरसाइज है, आप अपनी किताब 101 यानी 101 पेज पर निकालिए और सवाल नंबर 1 देखिए। यहाँ इस सवाल में कि कौन सा दिन कब आता है, किस दिन के बाद कौन सा दिन आता है, इसके बारे में थोड़ी एक्सरसाइज की गई है। तो सवाल है अमलाल फरागा फीमा यली बेस्माइल आया, जो खाली जगह हैं उनमें आप दिनों के नाम लिखिए। जैसे पहला है बादल यौमल जुमा डैश, इसका मतलब है जुमा के बाद डैश है, यानी यौमल सबत शनिचरवार, क्योंकि जुमा के बाद शनिचरवार आती है इसलिए हमने लिखा बादल यौमल जुमा यौमल सबत, जुमा के दिन के बाद शनिचरवार का दिन है। इसी तरह दूसरा है कबल अल यौम अल खमीसा डैश, यौम अल खमीसा जुमेरात को कहते हैं, थर्सडे को। तो कहता है कि थर्सडे यानी जुमेरात से पहले जो दिन आता है उसका नाम हमें बताना है। जुमेरात के दिन के से पहले यौम अल अरबा यानी बुधवार का दिन आता है, उसको यौम अल अरबा कहते हैं। तीसरा है बैदल खमीस वल सब्त, यानी जुमेरात और शनिचरवार के दरमियान, यानी जुमेरात वीरवार थर्सडे और सैटरडे के दरमियान जो दिन आता है वो हमें लिखना है, क्योंकि बाइनल मेनल बिटवीन यौमल जुमा, ये यौमल जुमा है, यानी जो थर्सडे और सैटरडे के दरमियान आता है। चौथा है बाइनुल अहद वल सलसा, यानी एतवार और मंगलवार के दरमियान, यौमल अहद जो है वो एतवार को कहते हैं, यौमल सलसा मंगलवार को, संडे एंड ट्यूसडे इनके दरमियान आता है यौमल अस्नीन, बुमवार तो आतवार इनके दरमियान जो होता है वो सोमवार होता है, जिसको यौमल असनीन अरबी में कहते हैं। इसी तरह पांचवा है कबल अल यौमल अरबा, यानी बुधवार से पहले का दिन जो होता है यौमल सलसा, यानी सलसा वो मंगलवार होता है, बुधवार से पहले मंगलवार का दिन होता है। छठा है बैनुल अरबा वाल जुमा, यानी जुमा या बुधवार और जुमा के दरमियान जो दिन आता है यौमल खमीस वो वीरवार है या जुमा रात जिसको कहते हैं। सातवां है बादल यौमल असनीन डैश, यानी यौमल असनीन सोमवार के बाद जो दिन आता है वो यौम सलसा ये है, यानी मंगलवार है। तो इस तरह आपने देखा कि इसे आपको ये बात समझ में आती है कि कौन सा दिन किस दिन के बाद आता है और अरबी में उसे क्या कहते हैं, या दो दिनों के दरमियान कौन सा दिन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको उठाएंगे अपनी कापी पर, और सफ़ा 101 पर है और इसको पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह बाद में हम आगे चलेंगे, इसके और भी सवालात हैं वो आइंदा करेंगे। आज इतना ही, शुक्रिया।